के मेरे दोस्तों और मंच पर बैठे हुए हमारे पार्टी के सभी नेतागण, आप सभी को मालूम हो गया होगा कि मैं अपने संगठन के चुनाव में प्रचार के रूप में वोट मांगने के लिए यहां आया हूं। और आप देखे होंगे कि जो लोग मुझे समर्थन के सपोर्ट करने के लिए नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के डेलीगेट्स नेता लोग यहाँ पर हाजिर थे, यही दर्शाता है कि जो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को लेके 55 साल से चलता है और 50 साल से भी ज्यादा अगर उसका लेजिस्लेटिव करियर है और संगठन में भी ब्लॉक से लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तक वर्किंग कमिटी से मेंबर के तहत और आज फिर कैंडिडेट के रूप में भी मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि जब हमारे संगठन का चुनाव होगा उस वक्त मुझे निर्णय ये लेना होगा कि जो उदयपुर संकल्प या डिक्लेरेशंस हमने की है उसको एक एक करके लागू करने का। जिस डिक्लेरेशन में हमने चिंतन मंथन करके 3-4 महीने पहले हमने किया है और उसमें सभी नेता इन्वॉल्व थे, जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी थी, इकोनॉमिक अफेयर्स कमिटी थी, एग्रीकल्चर कमिटी थी, सोशल जस्टिस कमिटी थी, यूथ एंड वुमेन एम्पावरमेंट कमिटी थी और इन सभी ने मिलके जो निर्णय लिया है वही निर्णय मेरे भी रहेंगे, इसको मैं इंप्लीमेंट करूंगा। चंद लोग अपना अपना एक मैनिफेस्टो कहते हैं, अरे मेरे पास तो ऑलरेडी मैनिफेस्टो है, मेरे पार्टी ने पहले से विचार करके तैयार किया हुआ है, उसको लागू करना अपना धर्म है, काम है। और जो भी मुद्दे देश के रहेंगे या राज्य के रहेंगे हम उसको उठाते रहेंगे, उसका एक सॉल्यूशन भी करेंगे और खास करके आने वाले चुनाव में जो 50 साल के अंदर जो भी कैंडिडेट्स रहेंगे और खास करके हर विभाग में, चाहे वो यूथ कांग्रेस हो, चाहे वो महिला कांग्रेस हो या अनेक घटक है, उन सबको सम्मानित करके ये जो 50% उनको देने का डिक्लेरेशन है उसको भी हम स्वीकार करेंगे, उसको अनुष्ठान में लाने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, जो लोग सिंसियर ऑनेस्टली काम करते हुए हैं
किसी वजह से वो स्टेट पॉलिटिक्स में अटक कर एक दूसरे से अनबानी में जो लोग गए हैं या उनकी जाने की इच्छा नहीं है फिर भी खामोश बैठे हैं, उनको भी हम बुलाएंगे, बात करेंगे और जो कुछ अच्छा काम उनसे हम ले सकते हैं वो भी हम करेंगे। उसके अलावा ये चुनाव इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों मैं लड़ रहा हूं? क्योंकि एक तरफ सोनिया गांधी जी, उन्होंने कहा हमारे फैमिली से नो बड़ी विल कंटेस्ट, डेलीगेट्स आर देयर, दे आर इलेक्टेड डेलीगेट्स, लेट देम डिसाइड, आई डोंट वॉन्ट टू इंटरफेयर इन दैट, सी क्लियरली से। वेन सी सी क्लियरली, तब हमारे सीनियर लीडर्स, हमारे कार्यकर्ता और हर स्टेट से मुझे फोन आने लगे कि आप चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने मुझे बताया इसलिए लड़ना चाहिए कि ये जो बीजेपी की सरकार डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर रही है, भारत तोड़ो की योजना कर रही है, रिलीजन में लड़ाई लगाई है और अत्याचार बढ़ रहे हैं, स्त्रियों के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं, दलितों के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं और यहां तक जहां भी कोई MLA या MP उनको आवश्यकता है अगर उनके साथ जुड़ता नहीं तो उसको या तो ED लगाते हैं या CBI लगाते हैं या किसी पद का उनको आश्वासन देते हैं। ऐसा प्रेशर टैक्टिक्स करके उन्होंने हमारे 6-7 सरकारें गिराई। आप कहिए, मैं मेरे गुलबर्ग कहूंगा या अपने कर्नाटक का कहूंगा, कर्नाटक में हमारी दोनों मिलके बहुमत थी, इसको तोड़ दिए। महाराष्ट्र में हमारी आघाड़ी सरकार थी, मैं खुद वहां इंचार्ज रह के सबसे मिलके सरकार बनवाया था, उसको तोड़ दिए। गोवा के MLA को रातों रात अपने पास लिए, मध्य प्रदेश में तोड़ दिए, मणिपुर में तोड़ दिए, अरुणाचल तो एकदम पलट गया। ये कैसा हुआ? ये कोई जनता ने उनको सपोर्ट करके लाया नहीं था। यहां तक कि गुजरात में कांटे की टक्कर थी, हम दोनों समान, 5-6 एकड़े का फर्क था, वहां भी उन्होंने एक एक को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं गुजरात की लोगों की हिम्मत, अभी भी हमारे पार्टी में 62 लोग खड़े हुए हैं, डरे नहीं, ये बहुत कोशिश करी तोड़ने की। अभी आपको मालूम है मोदी साहब एक प्राइम मिनिस्टर होते हुए 3 दिन लगातार प्रचार, बार बार जा रहे हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं गया, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी जाते हो, MLA इलेक्शन में तो कंटिन्यूस भी जाते हो, ठीक है एक प्रधानमंत्री है, कई पार्लियामेंट इलेक्शन में गए, हर स्टेट में अपना भाषण दिया। अरे आप तो चैरिस्मेटिक लीडर है हमारा, सभी कहते हो, फिर आपका नाम पे ही बैठे जगह वोट आना था ना, तोड़ रहे क्यों, खरीदी क्यों कर रहे, डरा रहे क्यों? तो इसीलिए मुझे इस चुनाव में सभी सीनियर कार्यकर्ताओं ने, सभी डेलीगेट्स ने मुझे खड़ा किया है
तो मैं उनके तरफ से लड़ रहा हूँ। मैं कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे को ये लड़ना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी कैबिनेट मिनिस्टर एलओपी था और मेरे को कोई आवश्यकता भी नहीं थी। लेकिन उन्होंने आके ये कहा कि ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है, इसीलिए आप कांग्रेस के लड़ाई को आगे बढ़ाना है, उस विचारधारा को आगे बढ़ाना है, मजबूत करना है। और चौथा चीज, डेमोक्रेसी नाम के लिए डेमोक्रेसी के तो धज्जे उड़ाए जा रहे हैं। मैं उदाहरण तो आपके सामने दिया, और जितने भी ऑटोनोमस बॉडीज हैं उनको भी खत्म कर रहे, कमजोर कर रहे, मिसयूज कर रहे। साथ ही साथ संविधान का भी उल्लंघन हो रहा, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और देश को आजादी दिलाने वाले महापुरुष महात्मा गांधी जी ने आजादी दिलाई, नेहरू जी ने इस देश को बचाने के लिए डेमोक्रेटिक तरीके को अपनाकर जो उन्होंने सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इस तत्वों से वो अपनी गवर्नमेंट चलाए। कभी विरोधियों को उन्होंने हरासमेंट नहीं किया, बड़ी इज्जत के साथ उनसे बात करते थे। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, कोई है अपोजिशन डालो अंदर, चलो भेजो ईडी नोटिस, सीबीआई के तक उसके ऊपर धाक डालो। तो ये जो डराने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए हमारे लोग, कांग्रेस के सभी नेता लोग, डेलीगेट्स मिलके मुझे ठहरा किए हैं, इसीलिए मैं इस इलेक्शन में उतरा। बस इससे ज़्यादा मुझे कहना नहीं, क्योंकि मैं सुबह एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, फिर हर जगह जहाँ भी जाता हूँ मेरा काम होता है वोट मांगने का। वोट देना करना उनके हाथ में है, लेकिन जैसा इलेक्शन में हम जाते हैं वैसा ही इसमें भी डेमोक्रेटिक तरीके से जब इलेक्शन हो रहा है, मेरा फर्ज होता है उनको जाकर वोट मांगूं। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। आप सभी का धन्यवाद, आप भी आए हैं इतनी देरी के बावजूद, बड़े पेशेंस के साथ, टॉलरेंस के साथ आप बैठे हैं, इसीलिए आपको फिर से एक बार नमस्कार करते हुए और ये जो देरी के लिए मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ, इससे मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं यही ख़त्म करता हूँ।